हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब कोई भी जो वाटर बॉडी है उसमें जो नाइट्रेट की जो कंपोजिशन है और फॉस्फेट की कंपोजिशन ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद जो उनको कंज्यूम करते हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है। इस वजह से मतलब वहाँ पे क्या है कि प्लांट्स की ग्रोथ जब इंक्रीज़ हो जाए, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए और वो क्या कर दें, सन की जो रोशनी होती है उसको पेनिट्रेट कर दे, तो इसको हम यूट्रोफिकेशन की मतलब डेफिनेशन है ये। तो यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिन मीन्स, इसका मतलब क्या है, यूट्रोफिन का मतलब क्या है, नरिश वेल, ठीक है। तो मतलब उसमें ज़्यादा नरिशमेंट होना, ठीक है। नरिशमेंट ज़्यादा कैसे होगी, ये देखो, ये सारा प्रोसेस होता है, इसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। पहले तो एडिशन होती है नाइट्रेट्स की, ठीक है। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए दो जो केमिकल है उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो नाइट्रेट की और एक फॉस्फेट की, ठीक है। जब नाइट्रेट की एडिशन हो जाएगी तो प्लांट्स ग्रो करने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या, प्लांट की डेथ हो जाएगी। जब प्लांट की डेथ हो जाएगी तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, इनको डीकम्पोज करने में, जो डेड प्लांट है ना उनको डीकम्पोज करने में ऑक्सीजन लग रही है, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन लग रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी और सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आगे हम ये करेंगे प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले मान लो कोई भी वाटर बॉडी है, लेक है, कोई पॉन्ड है, उसमें क्या है, फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं हम, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी है ये, एक फर्टिलाइजर्स डाल दिया, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो उसमें जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, जो फर्टिलाइजर्स होगा वहाँ से उसे नाइट्रेट मिल रही है, जो वो पॉन्ड है या फिर लेक है उसको नाइट्रेट मिल रही है, इधर क्या मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट तो ज़रूरी है, अगर ये दोनों कंपोनेंट मिल गए तो क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हो गया, यूट्रोफिकेशन होने के बाद क्या है, एल्गी ब्लूम कर जाएगी, ठीक है, ज़्यादा एल्गी की प्रोडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो कंपटीशन होगा लाइट का वो ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन फॉर लाइट, लाइट के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और जो कंज्यूम करेंगे, एल्गी को कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, फास्ट इनफ वो मतलब नहीं कर सकते, कांट कंज्यूम फास्ट इनफ, जल्दी जल्दी से उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा फिर हो जाएगी एल्गी ब्लूम की। तो डीप प्लांट्स, जो अंडरग्राउंड प्लांट्स होंगे, उनमें लाइट का कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एल्गी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, अगर उसको कंज्यूम नहीं कर रहे तो एल्गी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, जिसकी वजह से डेड प्लांट्स और डेड एल्गी की वजह से क्या हो जाएगा, डिटेरियस हो जाएगा। डिटेरियस को अगर मोर डिकम्पोजर्स, उसको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा डिकम्पोजर चाहिए, और ज़्यादा डिकम्पोजर के लिए क्या है, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनको क्या करना है, हमने डिकम्पोज करना है। फिर जो एरोबिक्स है वो डाई कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो फिर वो डाई हो जाएंगे, जिसमें फिशेज आ गई, फिशेज वगैरह डाई हो जाएंगी, और जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, वो रिलीज हो जाएगा, जैसे NH4, CH4, H2S, ये सभी रिलीज हो जाएंगे। अगर आप ये सारा प्रोसेस याद कर लोगे और इसको थ्योरेटिकली भी लिखोगे ना, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, इसकी दो टाइप्स होती है, नेचुरल और कल्चरल। जो नेचुरल होता है वो नेचुरली अक्कर होता है, नेचुरल प्रोसेस है, वैसे तो ह्यूमन एक्टिविटी से भी होता है, ठीक है, बट जो नेचुरल ट्रोफिकेशन है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें क्या है, जो लेक है वहाँ पे जो मतलब ग्रोथ होगी प्लांट्स की, वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो सकती है, जियोलॉजी की वजह से हो सकती है, और एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस है उनकी वजह से हो सकती है। कुछ लेक ऐसे भी हैं जो रिवर्स प्रोसेस करते हैं, मतलब पहले तो उनमें न्यूट्रिएंट रिच होता है, बट बाद में टाइम के साथ साथ लेस न्यूट्रिएंट रिच भी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम मियोट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस एज कम्पेयर टू कल्चरल यूट्रोफिकेशन की अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये बहुत ही स्लो होता है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग अक्कर होता है, ठीक है।
तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या है, स्पीड अप नेचुरल यूट्रोफिकेशन। अब नेचुरल यूट्रोफी को स्पीड अप करने के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो क्या करती हैं, नेचुरल यूट्रोफिकेशन को स्पीड अप कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं उनको। वैसे तो जो वो स्लो प्रोसेस है, बट अगर वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो मतलब स्पीड अप कर जाएगा। कैसे, लाइक जैसे अर्बेनाइजेशन होती है, लैंड रन ऑफ होता है, मोर न्यूट्रिएंट्स अगर हम उस मतलब पानी में जाने देते हैं, जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट दो कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एल्गी की, ठीक है। उसको फिर इससे क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है। जो कुछ एग्जांपल्स हैं यूट्रोफिकेशन की, जैसे डाल लेक इन श्रीनगर कश्मीर में, तो वहाँ पे अर्बेनाइजेशन क्या है, इंक्रीज हो गई, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी वहाँ पे जा रहा है, केमिकल्स वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, फिर वो जो लेक है वो उसमें पोल्यूशन हो गया है, पोल्यूट हो गई है वो लेक, है ना। तो पोल्यूट होने की वजह से जहाँ पे यूट्रोफिकेशन क्या है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो, वो थ्री टाइप में हो सकता है, अलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक। अलिगो में क्या होगा कि पानी क्लीन होगा और कोल्ड होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट जो होगा पुअर होगा और एक्वाटिक लाइफ जो होगी वो कम होगी, ठीक है। मीजोट्रॉफिक मतलब मीडियम, मतलब थोड़ा सा न्यूट्रिएंट होगा, सेडिमेंट वो बिगिन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, प्रेजेंट होगा और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी एक्वाटिक लाइफ की। यूट्रॉफिक में क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच होगा, रिलेटिवली शैलो वार्म वाटर, वार्म होगा, जहाँ पे कोल्ड था ना तो जहाँ पे वार्म वाटर होगा, विद अ मच प्लांट ग्रोथ, ज़्यादा प्लांट ग्रोथ होगी और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होंगे और एल्गी ब्लूम कर जाएगी, तो इसको यूट्रॉपिक बोलेंगे। ये यूट्रॉपिक यूट्रॉपिकेशन ही है, ठीक है। तो इससे पहले कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, मीजोट्रॉपिक भी आती है और ओलिगोट्रॉपिक भी आती है। तो आज का जो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।